हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष स्टडी। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 24 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा ताइवान। ताइवान ने 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते पर पहुंचने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? इसका आंसर होगा यूएई। यूएई इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते पर पहुंचने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेजों को शुरू करने की घोषणा किया है? इसका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर कर्नाटका। इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑफलाइन डिग्री कॉलेजों को शुरू करने का फिर से घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ से किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है निसान, टेस्ला, जनरल मोटर्स या फिर शेवरले। इसका आंसर है टेस्ला को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया है निवेश करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलजी ने एलजी सिग्नेचर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन को नियुक्त किया है। एलजी ने अपना एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर, अभी हाल ही में पार्ले एग्रो ने भी प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस कंपनी को चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए चुना है? इसका आंसर है नोकिया को। नोकिया को नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन की कमी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। तो ये हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार्टअप को फंड करने के लिए IIT मद्रास से भागीदारी किया है? इसका ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, PNB बैंक या फिर इंडियन बैंक। तो इसका आंसर है इंडियन बैंक ने किया है IIT मद्रास से भागीदारी।
अगला क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है, वह किस विभाग की पहली महिला अधिकारी थी? इसका ऑप्शन है BSF, भारतीय वायुसेना, CISF या फिर CRPF। तो विजया लक्ष्मी रमनन जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है जो एक अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान सफर योजना किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया है आयुष्मान सफर योजना। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका ऑप्शन है जन बैंक, बैंक ऑफ घाना, केनरा बैंक या फिर यूनियन बैंक। इसका आंसर होगा बैंक ऑफ घाना ने 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हो सकता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।